आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल या एलसीएम मालूम करने के दो तरीके, पहला हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन और दूसरा है डिवीजन मेथड। पहला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मालूम करने के लिए हम पहले इनको अलहदा अलहदा लिख देंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। टू से डिवाइड होता है तो टू से नहीं थ्री से, हम टू से शुरू करेंगे और प्राइम नंबर यहाँ पर लिख लेंगे। तो टू से जाएगा तो टू एट ज़ा सिक्सटीन, एट फिर टू से जाएगा तो फोर टू ज़ा एट, फोर फिर से टू से जाएगा तो टू टू ज़ा फोर। फिर हम थर्टी का करेंगे, ये टू से जाएगा तो टू इन टू फिफ्टीन इज इक्वल टू थर्टी, फिर टू से नहीं जाएगा तो थ्री से करेंगे, थ्री फाइव और फिफ्टीन। फिर ये थ्री से भी नहीं जाता, टू से भी नहीं, तो फिर हम इसको फाइव से कर देंगे, फाइव वन चार फाइव, ये हो गया। फिर इसको हम करेंगे, ये टू से जाएगा टू टू थ्री ज़ार सिक्स, टू टू ज़ार फोर, फिर टू से जाएगा टू सिक्सटीन ज़ार थर्टी, फिर टू से जाएगा टू इंटू एट इज इक्वल टू सिक्सटीन, फिर टू से जाएगा फोर इंटू टू इज इक्वल टू एट, फिर टू से जाएगा तो टू टू ज़ार फोर, फिर टू से जाएगा टू वन, फिर हम 16, 30, 64 इसको ऐसे लिख लेंगे और इसके सारे प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर्स लिख लेंगे। टू हो गया जी, फिर टू हो गया, फिर से टू, फिर से टू, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर एंड वन, इस तरह इसका टू थ्री फाइव वन, इसका टू 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 टू, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड वन। फिर हम इससे कॉमन लेंगे, हम लिख लेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, उसमें हम सारे कॉमन लेंगे, टू टू टू, इन तीनों में से एक टू ले लिया, ये हो गया। फिर ये दोनों इससे ये लेंगे, फिर ये दोनों इनसे एक लेंगे, फिर इनमें से एक लेंगे, फिर इन तीनों एक में से वन, ठीक है। तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट हो जाएगा टू इंटू टू फोर, फोर इंटू टू एट, एट इंटू टू सिक्सटीन, सिक्सटीन इंटू वन इज इक्वल टू सिक्सटीन, ये इसका प्रोडक्ट हो गया जी। अब हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर, इसमें वो हम वही फैक्टर लेंगे जो हमारे पास कॉमन नहीं, तो उसमें हमारे पास ये वाला टू है, ये टू है, ये थ्री है और फाइव, तो उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे आ जाएगा 60. सो एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इनटू प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन का हमारे पास 60 प्रोडक्ट है और नॉन कॉमन का 16 है और नॉन कॉमन का 60 है, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आ जाएगा आंसर 960। तो ये हमारे पास 16, 30 और 64 का एलसीएम है। ये वो पहला मल्टीपल है जो अगर 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को मल्टीप्लाई करेंगे और 64 को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला जो मल्टीपल आएगा हमारे पास वो है 906। एलसीएम का जो दूसरा तरीका है वो है डिवीजन मेथड। अब हम पढ़ेंगे कि डिवीजन मेथड के ज़रिए एलसीएम कैसे मालूम किया जाता है। तो हमारे पास तीन नंबर है, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे 18, 10, 20। अब हम इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले छोटा प्राइम नंबर जिनमें हमारे पास है वो है 2, 2 नाइन आर 18, 2 फाइव आर 10 एंड 2 10। अब हम इसको 2 से करेंगे, 2 लिखेंगे
ए से आ जाएगा, ए भी अपनी जगह ए से आ जाएगा, टू फाइव आर टेन। फिर से ये थ्री से होता है तो थ्री थ्री आर नाइन, फाइव बी और दूसरा फाइव बी नीचे से आएगा। अब हम फिर इसको थ्री से करेंगे, थ्री वन आर थ्री, फाइव फाइव। अब फाइव टू से नहीं होता, थ्री से भी नहीं होता, फोर से भी नहीं होता, तो हम फाइव से करेंगे। वन अपनी जगह आएगा, फाइव वन आर फाइव, फाइव वन आर। अब हम लिखेंगे एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर। इसमें हम सब ये सब प्राइम फैक्टर लिखेंगे, टू टू थ्री थ्री फाइव वन। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टू टू आर थ्री आर ट्वेल्व, यहाँ तक हो गया, ट्वेल्व इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू वन। अब हम ट्वेल्व थ्री आर थर्टी सिक्स इंटू फाइव इंटू वन। अब थर्टी सिक्स इंटू फाइव इज इक्वल टू वन एटी। तो हमारे पास इसका एल सी एम आ गया वन एटी। सो एल सी एम आप एटीन टेन एंड 20 is equal to 1.